তোমাদের ভালোবাসি।
नहीं करो
मैं पैदल चला कर्बला।
क्या जवान थे आज़मी सफ़रे
परदानशीन सब माँ बहन बेटियां, हाथों में या हुसैन के परचम लिए हुए, मासूम की फिक्र की न थकन के मामले, पढ़ते रहे हुसैन की जाजिए काफले, हर चार काम करते मुआफिक बने हुए, उनके खजाइन की राह का एहतमाम, जिन्नात और फरिश्ते भी करते थे एहतमाम, लोगों के अजनबाब में देखा ये मौजज़ा, ना भूख से निहार न प्यासा कोई मिला, सदका मेरे हुसैन खपत था चार सू, आधी की रोटियों से मनोसरगा की खुशबू, ना
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक की मार्फत रखते हुए उनकी कब्र पर आएगा वो उस शख्स की तरह होगा जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 100 हज किए हों। हज एक ऐसा फरीजा है, ऐसा अजीम फरीजा है जो कि हर मुसलमान पर वाजिब है, मगर शरीयत में उसके लिए कुछ शराइत है कि वो मकरूह ना हो, वो साहिब इस्तेदाद हो, वो इस काबिल हो, मुसलमानों में हर व्यक्ति के लिए पैगाम है कि जो शख्स हज पर जाता है उसको चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी करे। हर साल हज पर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा ये सादत दी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तर्क ना करें। अगर हज पर जा रहे हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी आप पर वाजिब है, इसलिए इमाम काफ़ी सारे अलैहिस्सलाम कानून ज़ियारत को फरमाते हैं। इस पर तमाम उलमा किराम मुत्तफ़िक हैं, मुत्तफ़िक हैं। इमाम फरमाते हैं अगर तुमने से एक आदमी सारी जिंदगी हज करता रहे और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ना की हो तो वो अल्लाह का सज्जन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक का तारिक होगा, इसलिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम का हक अल्लाह का सज्जन तो है जो कि हर मुसलमान पर वाजिब है। Amen.
चलते हुए हम तारे के उठारे
सीनियर नौजवान जाफर हुसैन काजमी साहब जाफर जाफर अल्लाह जाफर उन्होंने कलाम पढ़ा था जिसको कुछ अशार नजरात के लिए लिखकर मैं कलाम पेश कर रहा हूँ उनकी बरदी दरजात के लिए हाँ बाबा का करते करते इंतजार जब थक गई सुबरा रो रो के अपने बाबा को सुबरा ने खत लिखा बाबा फिर क्यों पीछे पीछे आते हैं। मौला हुसैन तेरे दरिए पर
तो मैं तुझसे पूछता कि जब कोई जवान बेटा मानने जा रहा हो तो बाप के कलेजे पर क्या बोझ नहीं है बेटा। अली अकबर कहते हैं बाबा आपकी हालत देखकर अली अकबर से नहीं जाया जाएगा बाबा, बाबा आपके हित में नहीं जाना। और वे कहते नहीं बेटा तू जा, हमें एक काम करना अपने बाबा हुसैन के ऊपर सदा।
फर्क हुए हैं, बीवी की मर्जी से दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया से जाएंगे बीवी की मर्जी से। ना कोई हमें मार सकता है, ना कोई हमें अज़दारी से रोक सकता है। हुसैन के अज़दारी में खून में बसी हुई है। तो आइए पूरी उम्मत मुस्लिमा एक आवाज होकर दुनिया को ये बताएं कि हम न घबराने वाले, हम उस रसूल के चाहने वाले, उन आयमाए तहरीर के चाहने वाले हैं कि जिन्होंने झुकना किसी के आगे नहीं सिखाया सिवाय अल्लाह के। हम झुकते हैं तो अल्लाह के रसूल के आगे, रसूल के आगे। इसके आगे यही हमारा पैगाम है, यही इंसानियत का फख्र है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फख्र से जीना सिखाया। दुनिया भर के तमाम मकाम जहाँ जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह का कसर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिक्का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत सिखा दी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जीना सिखा दिया। तो हाथ अल्लाह में बुलंद करके पूरे करने की ताकत से ईमान के साथ मेरे साथ शरीक रहना। हम ही होते परेशान नारे है।
तेरा मसीह और तेरे
सही है आपका होगा। रुके खामोश रहिए भाई, मुझे बोलने दीजिए। आप इसकी मत बोलिए और वो आप अगर एक बंदा बोल रहे बंदा साथ में बोल रहे इसमें शोर होगा हमारे में अभी माइक में आते हैं। मुझे बोलने दीजिए शुक्र गुजार हुसैनी दैफिया एसोसिएशन का और सैनिक साहब का और Oh,
सभी पर बैठ जाइए। शरद सकी नंबर सत्ताईस साल में कर दीजिए।